हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिरेकल मास्टर। तो आज हम पाइथागोरस ट्रायो PBH का बात करने वाला है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक है और बहुत ही यूजफुल है। देखिए पाइथागोरस ट्रायो क्या है, H² = P² + B², जिसमें से कोई दो साइड का वैल्यू हमको दिया रहता है, थर्ड का फाइंड आउट करना पड़ता है। तो H²PB का थ्योरम से जाते हैं तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है, स्क्वायर करना फिर स्क्वायर रूट करके फाइंड आउट करना बहुत टाइम लग जाता है। देखिए ये कुछ नहीं है, एक रेशियो है। तो रेशियो को आप समझ लिए तो ट्रिपलेट पाइथागोरस PBH में दो साइड दिया रहेगा, एक साइड आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो इसको ध्यान से और पूरा वीडियो देखिए, एक बार में समझ में आ जाएगा और कभी भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए पाइथागोरस ट्रायो ट्रिपलेट से कैसे निकालते हैं। मान लीजिए पी दिया हुआ है 4 और एच है मेरा 5। आप जानते हैं कि ये लंब परपेंडिकुलर पी होता है, ये बेस आधार होता है और ये एच हाइपोटेनियस होता है, जो सबसे लंबी भुजा होता है कर्ण। तो पी है 4 और एच है 5, हमको बी फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, ये देखिए 5 को मेरा टेबल है या और भी हो सकता है, तो अभी 5 ही हम देख रहे हैं, इसी से मोस्टली निकल जाता है। ये ट्रिपलेट को याद कर लेना है, ये ट्रिपलेट क्या है PBH, पहला 4 5 3 या 5 4 3 जैसे आप याद रखिए, 13 12 5, 17 15 8, 25 24 7, 41 40 9, ये मेरा ट्रिपलेट है। 5 4 3, 13 12 5, 17 15 8, 25 24 7, 41 49, ये मेरा ट्रिपलेट है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास दो जो साइड है लंब और कर्ण, एक 4 है एक 5 है। तो ट्रिपलेट में हम मिला के देखते हैं, 4 5 या 5 4 है। तो अब जो अगला भुजा जो नहीं दिया हुआ वो बेसक कितना होगा, 3 होगा, इसमें और कुछ नहीं करना है। मान लीजिए मैं 4 और 3 दिया रहता तो अगला भुजा क्या होता, 5 ही होता, इसमें और कुछ नहीं करना है। यही है ट्रिपलेट का जादू या ट्रायो का जादू। देखिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए बी बेस मेरा 8 दिया है और हाइपोटेनियस मतलब एच है 17, तो पी हमको फाइंड आउट करना है। तो बस जो मेरा याद है ट्रिपलेट उसको हम भिड़ा के देखते हैं कि मैच कर रहा है या नहीं। तो देखिए एक 17 है एक 8 है, तो 17 और 8 मैच कर रहा है, तो जो नहीं है वो क्या है 15, तो पी मेरा क्या होगा 15, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसको सिर्फ भिड़ाना है ट्रिपलेट को, कोई दो मैच कर रहा है तो अगला वाला जो नहीं मैच कर रहा है, अगला वाला जो मिसिंग नंबर है वही होगा। बी दे दिया 24, एच दे दिया मेरा 25, हमको पी निकालना है। तो पी फाइंड आउट करेंगे तो H²PH² करने का कोई जरूरत नहीं है, 25 24 और 7 का ट्रायो है ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट में 25 24 7 का ट्रायो है। तो 25 है 24 है, तो बेझिझक इसको आप बोल दीजिए कि पी मेरा कितना होगा 7 होगा, या पी दिया हुआ है 24 तो पी कितना होगा 7 होगा। सबसे बड़ी जो भुजा होगा वो एच होगा, उसके बाद कोई एक पी होता है और कोई एक बी होता है। अब देखिए इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, एच हाइपोटेनियस 10 है और परपेंडिकुलर 8 है, बेस हमको निकालना है। देखिए एच 10 है पी 8 है, बेस निकालना है। तो इसमें देखिए किसी में मैच करा रहे हो रहा नहीं, 8 10 का कोई मेरा है 8 है, 10 है नहीं, तो ट्रिपलेट में ये मैच नहीं हो रहा ट्रायो में। तो देखेंगे इसका ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन कैसा करेंगे, सबको हम
डिवाइड कर देंगे सेम नंबर से। तो देखिए, दो से हम डिवाइड कर रहे हैं, दो से हम आठ को काट दिए चार हो रहा है, दो से हम दस को काट दिए पांच हो रहा है, तो पांच चार तो आता है। जब पांच चार आता है तो ये मेरा जो नंबर होगा वो कितना होगा, बेस तीन होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर नंबर मेरा आठ था, दस था, दो से उसको हम बांटे भाग दिए थे, काटे थे, तो इसमें दो गुना कर देंगे तो तीन दुगनी छ हो जाएगा। मतलब एच टेन पी एट और बी सिक्स। देखिए और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, बी हो गया टेन और पी हो गया चौबीस, हमको एच फाइंड आउट करना है। तो चौबीस दस, चौबीस दस का ट्रायो मिल रहा है नहीं, चौबीस है तो दस नहीं, तो ट्रायो मैच नहीं कर रहा, तो इसको देखेंगे हम, लिस्ट करेंगे, छोटा करेंगे। तो डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले दो से दोनों को हम बांटते हैं, दो से काट रहे हैं तो ये पांच हो रहा है और ये मेरा कितना हो जा रहा है, चौबीस का आधा बारह, बारह पांच। अब देखते हैं कि मैच होता है ना नहीं, बारह पांच तेरह, तेरह बारह पांच का रेशियो है, तेरह बारह पांच का ट्रायो है, तो बस ये बारह है ये पांच है तो ये एच सबसे लंबी भुजा कर्ण तेरह होगा। लेकिन चूंकि दो से दोनों को हम डिवाइड किए थे इसलिए इसमें भी इसको दो से हम गुना कर देंगे तो तेरह दुगनी छब्बीस, ट्वेंटी सिक्स। तो एच मेरा निकल गया कितना, ट्वेंटी सिक्स। मतलब पी ट्वेंटी फोर, बी टेन और एच ट्वेंटी सिक्स, कितना इजी है। देखिए और एक एग्जांपल ले लिए हैं, एच मेरा ट्वेंटी है, बी मेरा ट्वेल्व है, पी हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको हम इतना बांट देंगे, इतना छोटा कर देंगे या करते रहेंगे जब तक कि मेरा कोई ट्रायो मैच ना करता हो, जब तक कि मेरा कोई ट्रायो मैच ना करता हो। तो देखिए सबसे पहले दो से हम डिवाइड करते हैं तो ये हो गया टेन, ये हो गया सिक्स, दस छो का कोई ट्रायो है नहीं, तो फिर हम बांट काटते हैं, डिवाइड कर रहे हैं दो से, ये हो गया पांच, ये हो गया तीन। अब देखिए पांच तीन का कोई ट्रायो मैच हो रहा, पांच है तीन है तो बेशक ये कितना होगा, चार होगा। लेकिन चूंकि मेरा जो ओरिजिनल नंबर था, मूल नंबर कितना था, बीस था, बारह था, तो उसी के रेशियो में ये उतना बड़ा होना चाहिए। तो देखिए दो बार हम दो दो से डिवाइड किए तो दो बार दो दो से इसको गुना कर देंगे, तो दो बार दो दो से गुना मतलब दो और दो चार से गुना, तो चार चार है सोलह हो गया। मतलब P मेरा निकल गया कितना, 16, P 16, एच 20 और B हो गया 12। तो ये है पाइथागोरस ट्रायो या ट्रिपलेट।